भाभी। हाँ दीदी। अरे मैं मम्मी का इतना सर दर्द कर रहा है, ये नहीं कि थोड़ा सा तेल रख दें या कहाँ जा रही हैं आप? हम उनसे पूछे तो वो बोलेंगे कि मेरा सर दबाने से और दर्द करता है तो ना दबाएं हम। अरे तो दवा तो पूछना चाहिए ना। दवा के लिए भी पूछे तो मना कर दी, उसके बाद कुछ कही नहीं। तो खुद से तो कहेंगी नहीं, हमारी सास खुदा के कहती है, उम्मीद होती है ना कुछ बहू से। ये तो बहू का फर्ज है ना। और बेटी का क्यों? तुम तो पहले देखी तो तुम ही दबा दी होती। सारा ज्ञान हमारी बहू को ही देना है। तुम अपनी सास का देखो, हम अपना समझ लेंगे, ठीक बेटा? देखिए आप लोग फिर अपना समझिए, ठीक है? मुझे चाय लाए। अरे पूछ क्या रही हो, इलायची वाली चाय लाओ दीदी के लिए ना दीदी। हाँ हाँ, पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्या बना रही है ना? देखिए मम्मी जी हम कहे थे ना खाना बहुत अच्छा बनाता है। हाँ भैया मान गए। रसोईया लगा ली क्या? नहीं आपका भतीजा। और दांत चियार के हंस रही हैं। मेहरारू सब बैठी रहेंगी और लड़का आदमी खाना बनाएंगे? अरे नहीं बैठी क्यों रहेंगी, बल्कि नमकीन खाएंगी, चिप्स खाएंगी, टीवी देखेंगी। जाओ चाय के साथ वो भी ले आना। अपने लड़के से एक गिलास पानी नहीं मांगी आज तक, उससे खाना बनवा रही है। हाँ तो वही ना गलत किए हैं हम लोग, अब देखिए करवा रही है, बनाएगा बढ़िया खाना। हम लोग कराए होते हमको भी बना के खिलाता। ए चाय भी उसी से बनवाएगी क्या? नहीं नहीं वो तो वही बनाएगी, चाय नहीं बनाता। अच्छा लेके आ रहे हैं। इतना भी नहीं है तुम्हारी पतों को ना कि कभी पैर दबा दे हमारा। अरे दीदी पैर में दर्द है, आप बताएं भी नहीं हमको। अरे हम दबा देते, हम अभी बुला रहे हैं। बेटा दर्द नहीं कर रहा है तो ऐसे नहीं कि आदमी झूठ मूठ नहीं दबाता है। और टीवी वीवी में नहीं देखते हो जैसे? अच्छा हाँ मम्मी जी। अब बताओ तुमको इतना भी सहूर नहीं है, ये नहीं कि बुआ जी का पैर दबा दें झूठ मूठ का ही है, जैसे सब टीवी वीवी में नहीं आता है वैसे दबा दे बुआ जी का पैर, तब ना बुआ जी खुश होके फट से अपना हार निकाल के दे देंगी तुमको। कहाँ मेरे पास था, हम तो खुद ही नकली पहने हैं। हुआ क्या? मम्मी जी ये मेरी चाय ठंडी हो गई है थोड़ी सी, प्लीज गर्म कर देंगे, हम बस बाल सुखा के आ जाएं। इतना देर से बाल धोती हो, लाओ दो इधर दो। थैंक यू। हाँ अब तो यही रह गया है, सास पतोहू को चाय गरमा गरमा के दे। अरे तो चाय ही तो है, अपनी लड़की का नहीं करते थे? अच्छा अब ए एक तो तुम अपने सास से कह रही हो कि चाय गरमा के दे, ऊपर से ही जींस टॉप पहन के खड़ी हो। मैं मेहमान मेहमान आते। अरे तो आप हम कोई मेहमान थोड़ी हैं। नहीं नहीं बढ़िया है, पहनो पहनो, पहन के बाहर भी जाओ। सुन ली, अब तो बुआ जी भी कह दी पहना करो, समझी पहना करो। दीदी हम तो कह रहे हैं हम लोग भी पहना जाए, बहुत हो गया ये सब। ठीक है भैया ले जाना, हम पहनते भी नहीं है। मम्मी जी खाना लगाएं। उस दिन लाल वाला झुमका नहीं पहने थे जिसमें नग लगा हुआ है, वही छोटी मांग रही थी तो बोले ले जाना। और हम मांगे थे, हमको तो मना कर दी थी आप। नहीं दीदी वो उसी का है। नहीं अपने घर का तो सबको रहता ही है, ऐसी कोई बात नहीं दीदी। देखो मम्मी हमको मना कर दी, सब अपना अपन अपने घर वालों से ही है, हमसे नहीं है, अपनी बहनों से है हमसे नहीं है। हाँ वो तो रहेगा ही, तुम जब उससे छोटी हो और तुमको दीदी कहती है तब तो तुमको नहीं समझ में आता है, तो क्यों ना माने अपनी बहनों को ज्यादा, दोनों तरफ से होता है ना। दीदी दीदी मत बोला कीजिए, नाम से बुलाइए ना हमें। आ रहे हैं अभी मम्मी। ठीक है दीदी खाना लगाओ तुम। अरे बेटी सुनो। जी आंटी तुमसे मेहमान मिलने आ रहे हैं ना, इसकी मौसी लोग आ रही, थोड़ा कुछ नाश्ता बना लो। अभी कल ही तो मेहमान आए थे। अरे तो हाँ तो रोज रोज थोड़ी ना मेहमान आते। हाँ तो घर है तो मेहमान तो आएंगे ही, आप बना लीजिए। तुमसे मिलने हम कैसे हम क्यों बनाए, तुमसे मिलने आ रहे तुम्हारे हाथ का खाएंगे ना, रोज रोज मेहमान क्यों आएंगे। बेटा हर बात पे ना बहस नहीं की जाती ऐसे, तो आंटी मत बोला करो, मम्मी जी कहा करो। हाँ तो मम्मी वाला कोई काम करिए ना। ए, कैसे बात करो तुम्हारी मम्मी से, तुम ज्यादा मत बोलो नहीं तो तुमको भी बताएंगे तुम्हारी। अभी नाश्ता बनाओ। बना रहे।
क्या तैयार नहीं होना है क्या मंदिर के लिए? हाँ चलिए हो गया बस बस। हाँ अच्छा नहीं लगता यार, अब बस सिंदूर रह गया, सिंदूर लगा के आते और चूड़ी मंगलसूत्र। इतनी गर्मी है रैशेज हो जा रहे यार। अरे यार सब लोग क्या बोलेंगे, अभी मम्मी आ जाएंगी फिर बोलोगी कि क्या बेटा चले मंगलसूत्र नहीं पहनी, मंगलसूत्र से रैश हो रहा है तुम्हारी बहू को, देखो और करो लव मैरिज। तुमसे नहीं तुमसे कह रहे हैं, इससे कैसे शादी कर ली? और सही में घमौरी हो जाता है पहने पहने, क्या हुआ नहीं पहनी एक दिन तो? तुमसे क्या मतलब जी?